राजस्थान की सियासत में बड़ा उठक पटक हो गया है। जयपुर में कई कांग्रेस नेताओं ने अपना पाला बदल लिया है। लालचंद कटारिया, राजेंद्र यादव, पूर्व मंत्री रजपाल सिंह मिर्धा, विजयपाल मिर्धा, आलोक बेनीवाल, खिलाड़ी लाल बैरवा, रामपाल शर्मा और रिंजू झुंझुनवाला ने आज बीजेपी का दामन थाम लिया है। सभी कांग्रेस नेताओं ने जयपुर में सीएम भजनलाल शर्मा, राजस्थान के डिप्टी सीएम दिया कुमारी और राजस्थान बीजेपी अध्यक्ष सीपी जोशी की मौजूदगी में बीजेपी की सदस्यता ग्रहण की। कार्यक्रम में केंद्रीय मंत्री और अलवर से बीजेपी उम्मीदवार भूपेंद्र यादव भी मौजूद थे। इसी क्रम में कांग्रेसी नेताओं के बीच में शामिल होने पर राजस्थान विधानसभा में विपक्ष के नेता टीका राम जूली ने कहा कि जो लोग कांग्रेस छोड़ रहे हैं वे इसका कारण बता सकते हैं, चाहे वे डर के कारण छोड़ रहे हों या लालच के, चाहे वह पार्टी में पद हो या सम्मान, कांग्रेस ने उन्हें सब कुछ दिया है। अगर नेता पार्टी छोड़ रहे हैं तो पार्टी का कोई नुकसान नहीं है, पार्टी को नुकसान तभी होगा जब उसके कार्यकर्ता उसे छोड़ेंगे, लेकिन कांग्रेस के कार्यकर्ता मजबूत हैं और पता है कि क्या करना चाहिए। बीजेपी बात कहती है कांग्रेस मुक्त भारत, लेकिन कांग्रेस के लोगों को जोड़ती रहती है। फिर बीजेपी की विचारधारा कहाँ बची है? बीजेपी 370 पार की बात करती है, लेकिन उन्हें डर है कि क्या वे 272 सीटें भी जीत पाएंगे। ये तो कारण तो वो ही बता सकते हैं कि वो डर की वजह से जा रहे हैं या लालच की वजह से जा रहे हैं। कांग्रेस पार्टी ने इन नेताओं को कोई देने में कमी नहीं छोड़ी, कांग्रेस पार्टी ने खूब दिया है। जब भी चाहे केंद्र की बात हो, चाहे राज्य की बात हो, चाहे मान सम्मान की बात हो, पार्टी के अंदर पद देने की बात हो, पार्टी ने तो कोई कमी रखी नहीं। आज जिस प्रकार से चुनावी मौसम के अंदर क्या लोभ लालच है, क्या डर भय है, अब ये देखिए कुछ नुकसान नहीं है, कोई नुकसान नहीं है। कांग्रेस पार्टी का कार्यकर्ता जिस दिन टूटेगा उस दिन पार्टी को नुकसान है, नेताओं के जाने से पार्टी को कोई नुकसान नहीं है। कांग्रेस के कार्यकर्ता मजबूत हैं और वो जानते हैं कि हमें क्या करना है। मैं ये ज़रूर कहना चाहूँगा कि बीजेपी इस समय जिस प्रकार से एक कांग्रेस मुक्त भारत की बात करती है, वो रोज़ाना कांग्रेस को शामिल करा रही है, तो वो ये बताए कि कांग्रेस की विचारधारा और बीजेपी की विचारधारा में अंतर क्या है। जब आप कांग्रेस की विचारधाराओं के लोगों को बीजेपी में मिला रहे हो तो बीजेपी की विचारधारा कहाँ बची है और आपका जो नैतिक दायित्व है, नैतिक कर्तव्य, वो कहाँ है। मैं तो यही कहना चाहूँगा, ऐसे कांग्रेस कमज़ोर होने वाली नहीं है, बीजेपी कमज़ोर है। 370 पार की बात करती है, 400 पार की बात करती है, उसको कहीं डर है कि वो कहीं 200 बेहतर ही नहीं पहुँच पाए, इसलिए वो सारे अतकंडे अपना रही है, सब प्रकार से प्रयासरत है। जब वो खुद ही 400 पार है तो उनको क्यों जरूरत पड़ रही है इन लोगों की।